होते हैं मैं मानती हूँ, और मैं डरती भी बहुत ज्यादा हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ज्यादा स्केयरी वीडियो, जिसको करने में मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। आज मैं करने वाली हूँ कुछ हॉन्टेड नंबर्स को कॉल। हॉन्टेड नंबर्स मतलब मैं ये नहीं कहती कि भूत प्रेत ही होंगे जो उधर बात कर रहे होंगे, जिनको फोन दे दिया गया होगा, बट ये नंबर्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं शायद, जो सच में आपकी आइडेंटिटी जो है, आप क्या हो, कहाँ रहते हो, वो सारा ट्रैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर भी मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मैं करके देखती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को ये वीडियोस बनाते देखी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो कुछ हॉन्टेड नंबर्स जो हैं वो मैंने लिस्ट से निकाले और मैंने उसको लिख लिया है। तो पहला हॉन्टेड नंबर है 9784350163, और इसके आगे कोड लगाना पड़ेगा 001। तो इस हॉन्टेड नंबर की स्टोरी ये है कि एक आदमी रहता है, वो सीलिंग पे जाना चाहता है, तो उसको काफ़ी सारे लोग रोकते हैं, बट फिर भी वो जाता है। और उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं वहाँ पे जाने के लिए, मतलब अपने आप को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो जो है वो मर जाता है। फिर उसके बाद मरने के बाद वो अपनी माँ को कॉल करता है और वो सिर्फ फ़ोन पे रोता रहता है। ये है इसकी स्टोरी। तो मैं भी अब इस नंबर को कॉल करने वाली हूँ अपने फ़ोन से, और मैं देखती हूँ कि क्या सच में ये सही है या नहीं। तो ये मेरे हस्बैंड का फोन है, बट मैंने अपना सिम लगा रखा है क्योंकि कुछ भी होगा मैं अपने रिस्क पे लेना चाहूँ। गाइस, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, गाइज। इस फ़ोन को कॉल करने के लिए मेरे मोबाइल से 1 रुपए पूरा का पूरा कटा हुआ है। और मैं ये बताऊं आपको कि ये पहले मैं कहने वाली थी आप लोगों से कि ये कॉलर ट्यून हो सकती है, बट ये कॉलर ट्यून नहीं थी, क्योंकि कॉलर ट्यून में तो ये होता है ना कि कॉल जो है वो सेकंड्स में या मिनट्स में नहीं चलते हैं, बट इसमें जब जैसे ही मैंने फ़ोन किया और उधर से फ़ोन उठा, झट से वो कुछ ऐसा लोग बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक यार कि ये क्या हो सकता है, मतलब भूत ही है क्या, या फिर कोई एक ऐसा बैठा होता है इंसान जो ये सिर्फ चलाता है। और मैं तो अगर आपको सच बोलूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई होता है जो आपका लोकेशन वगैरह ट्रैक करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ट्रैक करना चाहता है, शायद यही होता होगा। और लिटरली आप देख सकते हो गाइज, मुझे बहुत पसीना आ गया। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मुझे मैसेज तो नहीं आया है उस नंबर से। अब दूसरा नंबर जिस पे मैं कॉल करने वाली हूँ वो है 8287560109। ये नॉर्थ कैरोलिना का नंबर है, मैंने सही से लिखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि यही नंबर मतलब यही नाम है। तो ये नॉर्थ कैरोलिना का है, और ये जब आप कॉल करोगे ना तो आपको बाइनरी कोड में कुछ बोला जाएगा, नंबर्स बोले जाएंगे, जिनको अगर आप इनकोड करोगे तो उसका मीनिंग जो है वो डेथ होता है।
तो गाइज मैं ये नंबर ट्राई करने वाली हूँ, 8 7 8 2 7 5 6 0 1 0 9. हेलो 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 गॉड. गाइस भूत होते हैं मैं मानती हूँ और मैं डरती भी बहुत ज्यादा हूँ, बट कॉल करने पे पता है मैं ये चीज नहीं सोच रही हूँ दिमाग में कि ये भूत थी जो है वो मेरी कॉल को आंसर कर रहा है. डेफिनेटली मैं नहीं सोच रही हूँ. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि कोई कुछ भी कर सकता है, तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ. बट इतनी स्केयरी आवाज, मतलब आप समझ सकते हो कि अगर कोई उधर साइड से कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, इतनी स्केरी आवाज निकाल रहा है, तो वो जब आप सुनते हो ना तो एकदम दिल में धक सा हो जाता है, मतलब बहुत तकलीफ होती है. ऑलराइट गाइस, अब मैं रेड रूम का नंबर ट्राई करने वाली हूँ सेम कोड के साथ. कोड क्या था, 001. ओके ओके, 0 1 4 0 8 6 3 4 2 8 0 6. Hello? Who is talking to me? Hello? May I know your name? Hello? Hello? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सेम वैसी चीज है. तो ये था गाइज मेरा वीडियो जिसमें मैंने आई थिंक कॉल किया है. 3 नंबर्स मैंने पिक किए हैं, 4 नंबर्स. मैं एक बार फिर से एक नंबर ट्राई करती हूँ, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये भी एक हॉन्टेड नंबर था, तो मैंने रेड रूम तक जो है वो कॉल अपनी पहुँचा दी है.
तो गाइज अगर मैं 15 दिन में, मतलब रेड रूम की ये स्टोरी है कि वो ट्रेस कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो किडनैप कर लेते हैं उस आदमी को, तो अगर मैं 15 दिन बाद वीडियो, मतलब 15 या 10-15 दिन में अगर मैं वीडियो ना बनाऊं, वैसे कोविड भी जो है वो 15 डेज में अपना 15 डेज तक अपना असर दिखाता है ना, तो अगर मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ तो प्लीज़ आप समझ लेना मैं किडनैप हो गई हूँ, और आप खुद ही जाके FIR जो है वो लिखा देना मेरे लिए और शायद मैं मिल जाऊँ। गाइस ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार थोड़ी सी, मतलब दिल को अपने मैंने अटैक दिया है, अपने हार्ट को मैंने अटैक दिया है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है वो फालतू की नौटंकी छोड़ के अगर आपको रियलिटी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर वॉच करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर।